ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वो गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं खेलना चाहिए था। जी हाँ, थोड़ा सा बहुत ही साधारण से शॉट थे कंसिडरिंग के इनिंग के बहुत शुरुआत में थे। दो रन पर 3 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया मैच में आगे हो गया था। बिल्कुल, अगर कोई भी टीम 3 विकेट इतनी जल्दी ले लेती है टॉप ऑर्डर की तो वो आगे हो ही जाती है। विराट कोहली की ये पारी वनडे विश्व कप करियर में उनकी सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, मैं कहूँगा चेस करते हुए, लेकिन वो एक पाकिस्तान के सामने 2015 में 100 बनाया था एडलेट पे, वो भी कमाल की पारी थी। भारतीय गेंदबाजी अटैक इस विश्व कप में सभी टीमों से ज्यादा असरदार है। जी हाँ, भारत के पास वो पेस के भी बड़े अच्छे विकल्प हैं और स्पिन तो है ही। जडेजा का स्मिथ को बोल्ड करना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉक विकेट था। अगर स्मिथ और ज्यादा खेल जाते तो शायद ये स्कोर 230 या 250 के आसपास पहुंच जाता। राहुल ने साबित कर दिया कि भारतीय मिडल ऑर्डर में उनसे बेहतर कोई नहीं। जी हाँ, बहुत टाइम से वनडे क्रिकेट में बहुत बढ़िया खेलते आ रहे हैं और जब अब वापसी की है तो बिल्कुल कमाल के एक डिफरेंट प्लेयर नजर आ रहे हैं। कोहली का 13 रन पर कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया की हार का कारण बन गया। जी हाँ, वो बहुत बड़ा मोमेंट था, गेम चेंजिंग मोमेंट था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो भारत मुश्किल में आ जाता। ऑस्ट्रेलिया का स्पिन बॉलिंग अटैक इस विश्व कप में सिर्फ नेदरलैंड से ही बेहतर है। जी हाँ, सिर्फ एक ही विकल्प है उनके पास, एडम जैम्पा, जो कि आज थोड़ी सी साधारण बॉलिंग की, उसके अलावा बहुत वीक लग रहा है उनका स्पिन अटैक। चेन्नई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ऑस्ट्रेलिया का गलत फैसला था। जी हाँ, मुझे लगता है कि शाम को तो ड्यू आती है और आज भी ड्यू आई थी, जिस वजह से जैम्पा को बड़ी दिक्कतें आई। और अगर पहले अगर भारत बल्लेबाजी करता तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता।